2 अक्टूबर गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आज रेवाड़ी की नगर परिषद में नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव ने सभी पार्षदों के साथ गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर शहर को साफ सुंदर रखने में पूरी तरह अग्रसर रहेंगे। साथ ही उन्होंने शहर वासियों से भी अपील की कि वे भी शहर को साफ व सुंदर रखने में अपना योगदान दें ताकि शहर रेवाड़ी को सुंदर और स्वच्छ बनाया जा सके। वहीं इस अवसर पर मौजूद पार्षद पति सज्जन पहलवान परवीन चौधरी व राजेंद्र सिंगल सभी ने संयुक्त रूप से कहा कि हम सब ने आज गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी को माल्यार्पण कर ये शपथ ली है कि हम सभी रेवाड़ी शहर को साफ सुथरा रखने में अपना पूरा योगदान देंगे। साथ ही जनता से भी अपील करते हैं कि वह भी शहर को साफ सुथरा रखने में आगे आए तथा अपना योगदान दे। आज गांधी जयंती है 2 अक्टूबर और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। आज नगर परिषद में सभी पार्षदों ने मिलकर माल्यार्पण किए गांधी जी को और ये शपथ ली है कि हम नगर को रेवाड़ी शहर को साफ सुंदर बनाने में अपनी पूरी जी जान लगा देंगे और सबके प्रयास रहेंगे, सामूहिक प्रयास रहेंगे ताकि नगर रेवाड़ी शहर में सफाई व्यवस्था अच्छी रहे। गांधी जयंती क्या कहेंगे? संपूर्ण विश्व में शांति और प्रेम और सद्भावना का संदेश देने वाले 152वीं जयंती पर महात्मा गांधी जी की जयंती कर मैं सच सच नमन करता हूँ और साथ में मैं लाल बहादुर शास्त्री की आज जन्मदिवस है उनको भी मैं नमन करता हूँ और नगर परिषद की तरफ से मैं तो यही है कि अब नगर परिषद हमारी बढ़िया काम करे, रेवाड़ी शहर चमके। बस आज हमने सभी पार्षदों ने और चेयरमैन जी के नेतृत्व में सब ने आज अपना महात्मा गांधी जी को माला अर्पण करी है, सुख शांति से प्रोग्राम हुआ, बड़ा अच्छा लगा और ऐसा होता रहा। 2 अक्टूबर हमारे भारत के शांतिदूत महात्मा गांधी जी का 152वां जन्मदिवस है। हम इनको सत सत नमन करते हैं और आज 2 अक्टूबर को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर का भी जन्मदिन है, उनको भी हम नमन करते हैं और इस प्रांत बेला पे हमारे नगर परिषद के जितने ही पार्षद हैं चेयरमैन जी के नेतृत्व में हम ये संकल्प लेते हैं कि हम शहर को सुंदर स्वच्छ बनाने में पूरा सहयोग करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे, हमारा शहर सुंदर और स्वच्छ। आज 2 महान पुरुषों की जयंती है, हमारे महात्मा गांधी जी बापू जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो उसके लिए मैं सभी देशवासियों को और शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और जैसे कि हमारे बापू जी का सपना था कि स्वच्छ भारत, तो मैं सबसे यही नगरवासियों शहरवासियों से यही कहती हूँ कि सब उसके उनके सपने को साकार करने में योगदान दें और अपने शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाए और हमारे नगर परिषद भी मतलब इस मामले में बहुत साफ सुथरा रखने में पूरा सहयोग करेगा। और लोगों से भी मेरी यही अपील है कि जैसे हमारे बापू जी का एक सपना था कि स्वच्छ भारत और स्वदेशी अपनाएं, तो सब लोग स्वदेशी भी अपनाएं, बाहर विदेशी चीज़ें ना खरीदें, उनका बहिष्कार करें ताकि हमारे जो यहाँ का जो पैसा है वो अपने देश का पैसा देश में ही रहे, स्वदेशी अपना के। यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही मुहिम चला रखी है, स्वच्छ भारत अभियान। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सपना साकार करने के लिए
मैं अभी सभी अपने शहरवासियों से ही यही अपील करती हूँ कि हमारे बापूजी और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हो, इसलिए हमें स्वच्छता की तरफ ध्यान देना चाहिए, ताकि जैसे हम ज़्यादा स्वच्छता पे ध्यान देंगे तो बीमारियों से भी लड़ा जा सकता है, जैसे मलेरिया डेंगू ये गंदगी की वजह से ही होती है। और हम इधर उधर कूड़ा ना डालें, प्रॉपर डस्टबिन में या गाड़ियों में डालें। अगर जैसे कहीं आपको कूड़ा नज़र आए तो ये नहीं कि अगर आपको कूड़ा नज़र आ रहा है तो वहाँ पर आप और कूड़े का ढेर बनाएँ, उल्टा आपको ये सहयोग करना चाहिए कि उस कूड़े को उठा के डस्टबिन में डालें, ताकि वहाँ बड़ा कूड़े का ढेर ना बने। और इसमें हम सब मिलजुल कर ही योगदान करेंगे तो ही हम अपने शहर को साफ़ सुथरा और स्वच्छ बना सकते हैं, और हमें सबके सहयोग की ज़रूरत है। बाकी नगर परिषद भी पूरा सहयोग करेगा अपने शहर को साफ़ सुथरा बनाने में, और आप सबसे भी यही आशा करती हूँ कि आप सब भी अपने शहर को साफ़ सुथरा बनाने में हमारा पूरा योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।